फादर का अपने बेटे के गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर हो जाता है। अब आगे क्या होगा आज की हमारी मूवी डैमेज जो 1992 की एक हॉलीवुड मूवी है इसमें हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इस चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर स्टीफन हमें दिखाया जाता है, एक पॉलिटिकल ऑफिस में काम करता है। स्टीफन को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया और उसे अब प्रमोशन मिलने वाला है। उनके साथ जब उसकी मीटिंग होती है तो उसकी वो बहुत प्रेज करते हैं, वो अपने काम में बहुत अच्छा था। स्टीफन के घर पर उसकी वाइफ और बेटी है, उसका बेटा बड़ा हो चुका है और वो भी पॉलिटिकल ऑफिस में ही काम करता है। इसके बाद हमें स्टीफन के ऑफिस में पार्टी दिखाई जाती है। इस पार्टी में स्टीफन के पास एना आई, उसकी बेटे की गर्लफ्रेंड, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। स्टीफन को एना पसंद आई थी और इन दोनों में ऑकवर्ड साइलेंसेस थे। अब थोड़ा टाइम गुजर चुका है, स्टीफन का बेटा मार्टिन ये अपनी गर्लफ्रेंड एना को लेकर लंच के लिए आता है। यहाँ पर भी एना और स्टीफन ये दोनों ऑकवर्ड थे। स्टीफन की वाइफ इंग्रिड को एना बहुत ही अजीब लगती है। एना ने पूरे लंच तक उससे कोई भी बात नहीं की थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दिन एना स्टीफन को कॉल करती है, उसने उसे एक लोकेशन और टाइम दिया। स्टीफन वहां गया और डायरेक्टली एना के साथ इंटीमेट हो जाता है। फर्स्ट सीन में जब वे मिले थे उसके बाद इनकी रिलेशनशिप डेवलप हुई है। एक दिन स्टीफन के पास उसका बेटा आया और वो बहुत ही खुश था, कहता है मुझे पॉलिटिकल एडिटर की जॉब मिली है। स्टीफन इससे सरप्राइज्ड हो गया क्योंकि बहुत बड़ा प्रमोशन है, वो अपने बेटे के लिए बहुत ही खुश था। अब इसी प्रमोशन की खुशी में सब फैमिली डिनर करते हैं। मार्टिन के ग्रैंडपा उसके लिए खुश थे, उसने इतनी प्रोग्रेस की थी, उन्हें एना भी पसंद आई। एना को उसके फैमिली के बारे में पूछा जाता है, कहती है मेरे फादर एक डिप्लोमेट थे, उसकी मदर एक फ्रेंच है, उसकी 4 शादियां हो चुकी है, उसकी फैमिली हमेशा मूव होती रहती थी, अर्जेंटीना अफ्रीका रोम इस तरह से अलग अलग कंट्रीज को घूमे हुए है। 3 साल पहले एना का ब्रेकअप हुआ, उसके बाद वो लंदन में ही रहती है। इंग्रिड एना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, जैसे क्या अपनी मदर से तुम मिलती हो या तुम्हारा कोई ब्रदर है। एक्चुअल में एना को एक ब्रदर था पर उसने सुसाइड कर ली। इंग्रिड ने पूछा ऐसा क्यों हुआ था, एना कहती है वो किसी से प्यार करता था। ये कन्वर्सेशन बहुत ही अजीब हो गई तो जल्दी से मार्टिन एना को यहाँ से लेकर जाता है। मार्टिन को कुछ काम था तो अपने ऑफिस चला गया। रात में स्टीफन एना के पास आता है, वो कहता है हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। डिनर करते वक्त पूरे टाइम तक मैं तुम्हें पाना चाहता था, तुम्हें टच करना चाहता था, होल्ड करना चाहता था। एना कहती है तुम वरी मत करो, मैं हमेशा यही रहूंगी। इसके बाद पैशनेटली ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद एना अपने ब्रदर के बारे में और भी बातें कर रही थी। वो कहती है मेरी फैमिली को बहुत बार मूव होना पड़ा, मैं और मेरा ब्रदर हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। मेरा ब्रदर मेरे लिए पजेसिव हो गया, वो मुझे सिर्फ उसके लिए पाना चाहता था। एना की ब्रदर ने प्यार की वजह से सुसाइड की, पर ये प्यार वो एना से ही करता था। एना ने कहा लाइफ में सबसे बुरी चीज जो हो सकती है वो ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है। मेरे ब्रदर के जाने के बाद मैं बहुत ही टूट गई थी। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो मैं वैसे ही रहती या अपने आप को खड़ा करती। डैमेज्ड लोग ये बहुत ही डेंजरस होते हैं क्योंकि उन्हें फिर से उठना आता है। एना स्टीफन से कहती है जो भी चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है, प्लीज इसे चेंज मत करना। स्टीफन की एक कॉन्फ्रेंस थी तो चाहता था कि उसके साथ एना आए, पर एना उसे मना कर देती है। जब बाद में स्टीफन की अपनी वाइफ से बात हुई तो उसे पता चला कि मार्टिन और एना ये दोनों पेरिस गए हुए हैं। स्टीफन इसके बाद अपने कॉन्फ्रेंस में तो गया पर उसका मन लग नहीं रहा था। वो फिर अपना माइंड चेंज कर डायरेक्टली पेरिस आ जाता है। उसने एना को कॉल किया, एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। एना उससे मिली तो उसे किस करने लग जाता है, कहता है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं कुछ भी चीज देख नहीं सकता। एना कहती कि मुझे वापस जाना पड़ेगा। मार्टिन अभी भी सो रहा है, वो चली गई पर स्टीफन एना के ही होटल में रूम लेता है। उसने अपनी होटल की खिड़की से देखा तो एना और मार्टिन ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। स्टीफन को बहुत बुरा लगा, वो बहुत रोता है। स्टीफन घर आने पर नोटिस करता है उसकी डॉटर का बॉयफ्रेंड घर पर आया हुआ था, ये उसे बहुत ही अजीब लगा। स्टीफन की वाइफ कहती है तुम्हारी बेटी प्यार में है। आज जब स्टीफन फिर से ऑफिस गया तो फिर से एना को कॉल करता है। आज वो उससे सिर्फ इंटीमेट होने के लिए नहीं मिलना चाहता था, ये दोनों मिलकर एक पार्क में आए। एना को आइडिया अच्छा नहीं लगता, वो स्टीफन के साथ सिर्फ बेड की रिलेशनशिप ही रखना चाहती है, इसके अलावा
वो कोई भी इंटीमेसी नहीं चाहती। फन कहता है मैं मेरी वाइफ को छोड़ दूंगा, यही सब के लिए ठीक होगा। एना कहती है तुम्हारे बेटे का क्या? स्टीफन ने कहा कि वो भी ठीक हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एना कहती है कि वो हमेशा के लिए तुम्हें हेट करेगा, तुम अपनी फैमिली लॉस्ट कर दोगे, और किस वजह से? ताकि मेरे साथ रह सको, मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर सको। ये सब ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारी वाइफ के साथ मिल रहा है, जो चीज तुम पाने की कोशिश कर रहे हो ये ऑलरेडी तुम्हारे पास है। एना चाहती थी कि सब कुछ जो चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। एक दिन स्टीफन का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था, उसकी वाइफ ने पूरा देखा, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो उसके पास आई, कहा हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो तुम एक डॉक्टर थे, छोटी छोटी चीजों में भी तुम बहुत ही परफेक्ट थे। यही चीज उसे बहुत पसंद आई थी। हम इन दोनों हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप आजकल स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं। वो सिर्फ एक साथ रहते हैं। स्टीफन को एना के साथ जो पैशन मिलता है वो अपनी वाइफ के साथ नहीं मिलता। एक दिन जब स्टीफन एना से मिलने के लिए आया तो वहां पर पीटर आया हुआ था। पीटर एना का बचपन का फ्रेंड है, वो बिना बताए आया हुआ था, इसी वजह से दोनों सरप्राइज थे। स्टीफन पीटर से पूछता है तुम उसे कब से जानते हो? पीटर कहता है मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो आजकल मार्टिन के साथ बहुत ही खुश है, ये वो डिजर्व करती है। यहाँ पर इंडिकेट होता है कि पीटर को स्टीफन और एना के बारे में पता चल चुका था। स्टीफन अभी तो यहाँ से चला गया था, पर पीटर के जाने के बाद वो फिर से वापस आता है। एना से पूछता है ये सब क्या था? एना कहती है कि पीटर मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड था, एक दिन मैं उसके साथ डेट पर गई थी, जब वो मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आया तो हम कार में किस करने लग गए, ये सब मेरे ब्रदर ने देख लिया था। वो बहुत जेलस हो गया, वो मुझे सिर्फ उसके लिए चाहता था। उसने मुझे पूछा क्या तुम अब सबके साथ डेट पर जाओगी, क्या इस वर्ल्ड को हमारे बीच में आने दोगी? एना ने इस सारी बात को इग्नोर कर दिया। उसका ब्रदर 2-3 घंटे तक उसके डोर के बाहर था। एना ने उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब उसके ब्रदर की आवाज कम हुई तब उसने सुसाइड कर ली थी। इस बात से एना बहुत ही शॉक में थी। इस घर में एना और उसके पेरेंट्स नहीं रहना चाहते थे, पीटर की फैमिली को जानते थे तो उसी के पास गए। एना गम में थी तो पीटर ने उसे सहारा दिया। एना ने कहा पीटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। अपने गम में एना फर्स्ट टाइम पीटर के साथ ही इंटीमेट हुई थी। स्टीफन को एना के लिए बहुत ही बुरा लगा। इंग्रिद का बर्थडे था तो अपने फादर के पास वो जा रही थी, अपनी पूरी फैमिली के साथ ये बर्थडे वो स्पेंड करना चाहती थी। मार्टिन सेलिब्रेट करने के लिए एना को भी लेकर आ रहा है, इंग्रिद को पसंद नहीं आता। एना उसे जरा अजीब लगती है। ये सब ग्रैंडपा के पास आए, किस तरह से बचपन में ये सब यहाँ आया करते थे इसके बारे में बातें हो रही थी। मार्टिन कहता है बचपन में सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था, पर फिर भी उसे खाली खाली लगता था। उसकी फैमिली हमेशा उसे एम्प्टी लगी है, उसमें कभी भी कोई भी झगड़े नहीं हुए। जिस तरह से हर फैमिली में पैशन होता है ये कभी भी नहीं था। इस बात के लिए वो अपने फादर को दोषी मानता है। स्टीफन ने कभी भी अपनी फैमिली के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद नेक्स्ट डे मार्टिन और एना साथ थे। इन्हें देखकर स्टीफन जेलस हो गया। मार्टिन अनाउंस करता है कि वो एना से शादी करने वाला है। सिर्फ उसके ग्रैंडफादर ही उसके लिए खुश थे। इंग्रिद को भी एना पसंद नहीं और स्टीफन का कुछ अलग प्रॉब्लम है। स्टीफन जब मार्टिन के साथ अकेला था तो उसे पूछता है कि एना ने तुम्हें डायरेक्टली हाँ कह दिया? वो कहता है कि हाँ। मार्टिन ने अपने फादर को जो भी बुरा कहा इसके लिए उससे अपोलोजाइज करता है। इसके बाद वो कहता है एना में कुछ अजीब सा ही सैडनेस है, वो जब उसके साथ होता है तो क्योर हो जाता है। स्टीफन ने कहा यह तो नर्स की तरह लगता है। मार्टिन समझाता है एना जब मेरे साथ होती है तो उसकी एक अलग ही साइड है। रात में सबके सो जाने के बाद एना और स्टीफन ये फिर से एक दूसरे से मिले, अंदर जाकर इंटीमेट हो गए। एना के रूम से जब स्टीफन बाहर आया तो उसकी डॉटर ने देख लिया था। अगले दिन आकर वो अपनी डॉटर को समझाता है, कहता है तुम्हारी मदर और मुझे, हम दोनों को एना अच्छी नहीं लगती। मार्टिन से शादी से पहले हमें उसे बात करनी थी, इसी वजह से मैं गया था। डॉटर भी ये सब बात समझ जाती है, फिर भी डर है कि शायद उसे कुछ ना कुछ तो पता है। अब नेक्स्ट सीन में एना की मदर मार्टिन की फैमिली से मिलने के लिए आई हुई है। एना की मदर सरप्राइज थी कि मार्टिन एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो कहती है कि एना की यूजुअल चॉइस से तुम बहुत ही डिफरेंट हो, वो हमेशा बहुत ही घटिया लड़कों को डेट करती है। यही बातें करते करते थोड़ी देर में एना की मदर ने एना के ब्रदर के बारे में बातें निकाली। वो कहती है एना का ब्रदर और मार्टिन ये दोनों बहुत ही सेम दिखते हैं। ये बात सबके लिए बहुत ही अजीब थी,
एना अपने मदर पर चिढ़ गई क्योंकि उसे सब्जेक्ट नहीं निकालना चाहिए था। एना की मदर को बहुत ही बुरा लगा कि लंच उसकी वजह से बर्बाद हो गया। स्टीफन एना की मदर को उसके होटल तक छोड़ने के लिए आया। मदर कहती है एना आजकल बहुत ही खुश है, इसी वजह से ये सब बर्बाद हो जाए ये सही नहीं होगा। स्टीफन कहता है कि आप किस बारे में बात कर रही हो। एना की मदर ने कहा मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, लंच पर तुम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। मदर कहती कि जो भी चल रहा है इसे अभी के अभी बंद कर दो वरना इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ही बुरे होंगे। स्टीफन ने फिर एना को कॉल किया, कहा हमारे बीच में जो भी चल रहा है हम अब खत्म कर डालेंगे, यही मार्टिन और तुम्हारे लिए दोनों के लिए सही है। इसके बाद स्टीफन मार्टिन से मिलने के लिए आया। मार्टिन की डेस्क पर उसकी एना की और स्टीफन की फोटो थी, इसे स्टीफन देख रहा था। मार्टिन कहता है अगर आप चाहो तो इस फोटो को रख सकते हो। स्टीफन ने आज कन्फेस किया, कहा तुम्हें जो भी लगता है ये सब कुछ सही है, हमारे फैमिली पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था, मुझे लगता था कि लाइफ में सब चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ पर ये सही नहीं था। तुम स्मार्ट हो, तुम्हें इसके बारे में ऑलरेडी पता है, वो अपने बेटे पर बहुत ही प्राउड है। स्टीफन रात में बहुत ही देर तक काम करता है, वो डिस्टर्ब था तो उसे घर भी नहीं जाना था। आज पार्टी थी तो इंग्रिद ने उसे कॉल किया, उसे मना कर देता है, कहता है कि मुझे बहुत सारे काम है और मेरे कलीग भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। हम देखते हैं इंग्रिद के पास स्टीफन की फ्रेंड है, उसे पता चल गया स्टीफन उसे झूठ कह रहा है। स्टीफन आजकल बहुत ही डिस्टर्ब था और अभी अभी इंग्रिद को पता चला कि उसे प्रमोशन मिला है, फिर भी वो सैड था तो उसके पास आए। उसने पूछा कि क्या हुआ है। स्टीफन कहता है शायद मैं प्रमोशन नहीं चाहता, उसके साथ जो भी चल रहा है उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस बात से इंग्रिद भी अपसेट हो गई। एक दिन एना ने स्टीफन के ऑफिस में गिफ्ट भेजा, उसमें उसके नए घर की की थी। एना और स्टीफन के बीच में जो भी चल रहा है ये हमेशा सही से चलता रहे, इसी वजह से एना ने एक सेपरेट घर लिया था। स्टीफन ने घर जाकर देख कर आया। एक दिन फिर से मार्टिन एना को लेकर घर आया था। जब एना और स्टीफन अकेले थे तो एना कहती है अगर मुझे तुमसे दूर होना होता तो मैं मार्टिन से शादी नहीं करती, वो स्टीफन के पास रहना चाहती है, इसी वजह से वो मार्टिन से शादी करने वाली है। इन्होंने डिसाइड किया और फिर से एक दिन वो एना के घर पर मिले। ये जब दोनों इंटीमेट हो रहे थे तभी एना को ढूंढते हुए मार्टिन वहाँ पहुँच गया। उसने डोर खोलकर इन्हें इंटीमेट होता देख लिया। मार्टिन बहुत बड़े शौक में था, उसका ध्यान नहीं रहा, ऊपर से वो नीचे गिर गया, उसकी इंस्टेंटली डेथ हो जाती है। स्टीफन वैसे ही भागते उसे गले लगा लेता है, वो बहुत रोया। अब एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या ये पुलिस की वजह से सबको पता चल गया। रात में स्टीफन घर पर आता है, उसकी वाइफ ने अपने आप को हर्ट कर लिया था। वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो कहती है ये दर्द बहुत ही ज्यादा है, इस पेन को हैंडल नहीं कर सकती। इंग्रिद ने कहा मार्टिन को एना के फ्लैट के बारे में पता नहीं था पर होम ओनर ने घर पर कॉल किया, मार्टिन के लिए सरप्राइज था तो यही फ्लैट देखने के लिए वो गया। स्टीफन और एना के आने का टाइम और मार्टिन के वहां जाने का टाइम ये सेम हो गया। इंग्रिद ने कहा ये कोइंसिडेंस था, अगर उसे पता नहीं चलता तो ये हमेशा चलता रहता। तुमने अपने आप को मार क्यों नहीं डाला, तुम इतने बुरे भी नहीं हो सकते। वो रोने लग गए तो स्टीफन उसे गोलियां देता है, वो कहती है मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। अगली सुबह जब वो उठी तो स्टीफन उसके पास था, हमें एक दूसरे से कभी मिलना ही नहीं चाहिए था, क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया था, क्या मुझसे कभी तुम अट्रैक्टेड थे। स्टीफन इस पर कुछ भी आंसर नहीं कर पाता। आज उसे अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ा। अब वो फिर से एना से मिलने के लिए आया हुआ था, वहां पर एना की मदर थी। वो कहती है कि एना यहाँ से चली जा चुकी है। एना की मदर कहती है वो पीटर से मिलने के लिए उसके पास गई है। स्टीफन ने फिगर आउट किया कि एना अभी भी यही है। वो सब चेक करता है तो एना बेडरूम में ही थी, उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। इसके बाद मूवी में बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, स्टीफन ने सब चीजें छोड़ दी, हमेशा अलग अलग जगह पर वो घूमता रहा। उसने रियलाइज किया कि हम ह्यूमंस कैसे बने हैं, हमारे पीछे पर्पस क्या है, इस सब के बारे में वो नहीं जानता। जब आदमी प्यार करता है तो जिस चीज को जान नहीं सकता उसके थोड़े से करीब आ जाता है। प्यार के अलावा इस वर्ल्ड में कोई भी चीज मैटर नहीं करती, अब वो अकेला पड़ चुका है। मार्टिन ने उसे जो फोटो दी थी उसने उसकी बड़ी फोटो बना ली है, उसे अपने बेटे और एना की बहुत याद आती है। वो हमसे कहता है कि उसने फिर से एना को एक बार देखा था, वो पीटर के साथ थी, एना के साथ उसका एक बेबी भी था, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी है।
इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। स्टीफन हमारा बहुत ही फॉल्टी कैरेक्टर है। उसका अभी भी भ्रम है कि एना से वो प्यार करता था तो इसी वजह से उसने सब कुछ किया। उसकी ब्यूटीफुल सी फैमिली थी, कुछ पल के लिए उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और फाइनली वो अकेला था। इसके सब कॉन्सिक्वेंसेस अब उसे आगे की आने वाली लाइफ में भुगतने पड़ेंगे। प्यार तो हम सबको करना चाहिए, उसकी लिमिट हमें पता होनी चाहिए। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।